दोस्तों बॉलीवुड के डिस्को डांसर और वहीं बॉलीवुड के स्ट्रीट डांसर यानी गोविंदा और मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती डिस्को डांसर हैं तो गोविंदा स्ट्रीट डांसर। इन दोनों ने अपने समय में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं और साथ ही कई मजेदार किरदार भी निभाए हैं। मिथुन चक्रवर्ती के किरदार की भी अलग खूबियाँ रहीं, वहीं गोविंदा के किरदार की भी अलग ही तरह से खूबियाँ रहीं। लेकिन क्या आप सबको पता है कि इन दोनों एक्टर ने अपनी फिल्मों में गाने भी गाए हैं? हालांकि एक आम बात है कि अपनी फिल्मों में कई सारे एक्टर ने गाने गाए हैं, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा ने अपनी बड़ी फिल्मों में गाना गाया हुआ है, जिस गाने को लोगों ने खूब पसंद भी किया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिथुन चक्रवर्ती की कि आखिर मिथुन चक्रवर्ती ने कौन सी अपनी फिल्म में गाना गाया है। जी हाँ, अगर आपने फिल्म इलाका देखी हो तो इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने एक गाना गाया है। अगर आप इस गाने को एक बार सुनेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे कि मिथुन चक्रवर्ती कितने बड़े सिंगर भी थे। जी हाँ, इस मूवी में एक सॉन्ग था कल से छोड़ दूंगा मैं शराब, इस गाने को मिथुन चक्रवर्ती ने ही गाया था। ये गाना उस समय काफ़ी पसंद किया गया था और आज भी जब किसी शो में मिथुन चक्रवर्ती जाते हैं तो इस गाने को एक बार जरूर गुनगुनाते हैं। ये फिल्म थी इलाका, जिसमें इनके साथ संजय दत्त, धर्मेंद्र और अमरीश पुरी जैसे बड़े किरदार दिखाई दिए थे और ये फिल्म उस समय की सुपरहिट फिल्मों में से एक मानी जाती है। बात करें अगर गोविंदा की मूवी की, गोविंदा ने कौन सी मूवी में अपनी आवाज़ दी है, अपने गाने गाए हैं, तो गोविंदा की मूवी है 16 और सबनम। दिव्या भारती और गोविंदा की ये सुपरहिट फिल्मों में से एक है और ये फिल्म उस समय दर्शकों को खूब पसंद आई थी और आज भी लोग इस फिल्म को बहुत देखना पसंद करते हैं। अगर बात करें इस फिल्म में वो कौन सा गाना है जिसे गोविंदा ने गाया था, तो आपको बता दूं कि हॉस्टल में जब गोविंदा हीरोइन यानी दिव्या भारती को परेशान करने के लिए जाते हैं तो इनका गाना आता है छोरे छोरे बाके छोरे कर कर, एक गाना आता है। इस गाने में गोविंदा ने खुद अपनी आवाज़ दी है। अगर ये गाना आप एक बार सुनेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस गाने को गोविंदा ने कितने बेहतरीन तरीके से गाया है और लोगों ने इस गाने को खूब पसंद भी किया है। तो अब तो आप जान ही गए होंगे कि मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा ने अपनी कौन सी बड़ी फिल्म में गाना गाया है और लोगों को कितना पसंद आया है। आप भी एक बार इस गाने को जरूर सुनिए और हमें बताइए कि आपको मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा में किसकी आवाज़ गाना गाते हुए सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही।